तो बात टेबल पे बैठ के हो सकती है वो वहां पे गालियां निकाल के नारे लगा के नहीं हो सकती वो कह रहे हैं कि अगर 22 या 23 जुलाई तक वार्ता करने नहीं आए तो फिर आगे जो है वो आंदोलन किया जा सकता मेरे पास वो एक बार भी नहीं आए अपने इस विषय को लेके जब पूरी की पूरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने उनकी इस कैटेगरी के लिए काम करने के लिए विभाग को ऑलरेडी निर्देश दे दिए है कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है उसको ये लगता है कोई बस पंचर हो गई है वो उसकी वीडियो भी डाले जा रहा है अग्निहोत्री जी मुझे ऐसा लगता है उनको पहले अपना इलाज करवाना चाहिए चेक करवाना चाहिए कि जिन बातों को वो अपने मुख से बोल रहे हैं क्या वो खुद इन चीजों से ग्रसित तो नहीं है ये केवल और केवल विक्रमादित्य का कसूर नहीं है वैचारिक डिफेक्ट है आइडियोलॉजिकल डिफेक्ट है वहां पे महिलाओं के साथ इसी प्रकार की बातें की जाती हैं आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति पिछले एक डेढ़ वर्ष से दो वर्ष से जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं और यहाँ पे समाज सेवा का, का काम करने के ए, के लिए आए थे हिडन एजेंडा राजनीति थी, थी और मैं बड़े लंबे समय से बोल रहा हूँ कि उन्होंने चुनाव लड़ना है इन्वेस्टर मीट की गई करोड़ों खर्च हुए ऑन ग्राउंड क्या हुआ सर यहाँ पर प्राइवेट बस ऑपरेटर वाले भी जो है वो बीच में आ जाते हैं 160 करोड़ कम नहीं होता जिसमें हर प्रकार के टैक्स जो है वो उनके एग्जम्प्ट कर दिए नमस्कार लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में एक खास इंटरव्यू लेकर के आए हैं धाकड़ पर्सनालिटी ने कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी आज हमारे साथ मौजूद है बहुत सी बातें इनसे करनी है और शायद बहुत से लोग चाह भी रहे होंगे कि उनसे बातचीत हो उनके सवालों के जवाब निकल करके आए ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत से सवाल जहन में हैं और उम्मीद करते हैं उसमें से कुछ सवाल थोड़े कड़वे भी हो सकते हैं कुछ मीठे भी होंगे और यही उम्मीद रहेगी कि सभी के जवाब जो है वो यहाँ पर मिल जाए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे विपक्ष से आपको जोड़ना चाहेंगे इन्वेस्टर्स मीट क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी ये एक बहुत बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश में निकल करके आया है अगर कोरोना काल की हम बात करें विपक्ष लगातार यहाँ पर यह कहता नजर आया है कि इन्वेस्टमेंट की गई करोड़ों खर्च हुए सेकेंड ग्राउंड बेकिंग फर्स्ट ग्राउंड बेकिंग इस तरह की चीज़ें रही लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हुआ क्या निकल करके आया सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है और इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि जहाँ पर उद्योग का आना उद्योग का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण से अच्छी पार्टी का सरकार होने के कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा काम होने के कारण से हिमाचल प्रदेश में आम जनमानस आके इन्वेस्ट करना चाहता है ये उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ उस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में बहुत से लोग आए फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हुई सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हुई लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 80 परसेंट ऑफ द फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग उसको हम जमीन पे देख सकते हैं उनको हम आंकड़ों में देख सकते हैं हम वहाँ जाके उसकी व्यवहारिकता को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडस्ट्री जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है हमारे बच्चों को रोज़गार मिल रहा है आज आफ्टर फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग आफ्टर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान हिमाचल प्रदेश में ही उसको रोजगार मिल रहा है पहले केवल और केवल मजदूरों की श्रेणी में हमारे बच्चे आते थे आज हमारा बच्चा आईटीआई, एमबीए, बीबीए और इंजीनियरिंग कोर्सेज को जो जिन बच्चों ने किया है वो सब लोग जो हैं वो आज हमारे अपने ही प्रदेश में काम कर रहे हैं साहब अभी कुछ समय पहले एक बात निकल कर के आई थी कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें सेवेंटी परसेंट लोगों को युवाओं को रोजगार देना दिया जाना है एक कमेटी उसके लिए बनाई गई थी और प्रोसेस वो चला था कहाँ तक अभी वो प्रोसेस पहुँच पाया है क्या स्टेटस है क्या ये यहाँ पर रेगुलरली इंस्पेक्शन इसकी चल रही है या फिर काम ठप है या चला हुआ है निश्चित तौर से हम जो चाहते हैं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यहाँ की इंडस्ट्री में लगें और उसके लिए कायदा किया है जो भी व्यक्ति सिंगल विंडो में आता है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि यहाँ पे बच्चों को रोज़गार मिले और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जितनी भी अच्छी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर यह पैमाना बिल्कुल ठीक है लेकिन कहीं कहीं यह पैमाना ठीक नहीं है और मैं व्यक्तिगत तौर पर विजिट करता हूँ जाता हूँ और जहाँ पैमाना ठीक नहीं होता वहाँ पर हम जो भी उनको दंड दिया जाता है वो दंड हम देते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ मैं जाता हूँ और मेरे जाने के बाद जहाँ हमने लोगों को समझाया उसके बाद वहाँ पे उसके रिजल्ट भी अच्छे आए ठाकुर साहब एक और डिपार्टमेंट आपके पास है एच और वो हमेशा से हम कहें उनकी कर्मचारियों की एक्सपेक्टेशन रहती है और लगातार वो आंदोलनरत भी यहाँ पर रहते हैं आजकल भी अगर हम कंडक्टर्स की बात करें वो कह रहे हैं कि भी हमारे को क्लर्क के बराबर जो है वो दिया जाना चाहिए आखिर क्यों एच आर टी सी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों में थोड़ी सी कह सकते हैं कि भाई इस तरह की प्रवृत्ति रहती है क्या आपकी तरफ से जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं किया जाता क्या कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो हमेशा ये कह देते हैं कि हम बस चलाना बंद कर दें साढ़े चार वर्षों से आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है मैं चाहूँगा अपने किसी व्यक्ति को इस काम में लगाइए सबसे कम स्ट्राइक्स जो है वो हमारे समय में हुई है सबसे कम आंदोलन हमारे समय में हुआ है एच हाँ में काम करने वाले लोगों की एक प्रवृत्ति है आंदोलन करने की मांगना भी चाहिए डिमांड भी करनी चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में जो सारी चीजें ठीक लगती हैं लेकिन आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो इम्प्लॉइज यहाँ से रिटायर होता था उसकी पेंशन एक साल के बाद लगती थी आज वो पेंशन जैसे ही वो रिटायर हो रहा है उसको पेंशन मिल रही है और अभी हमने एक करोड़ रुपये का कर्जा लेके जितने भी उनके रिटायरीज का जो उनको मिलना चाहिए था वो हम उनको दे रहे हैं मैं मानता हूं जो कंडेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं उन कंडक्टर को किसी भी कैटेगरी में ही नहीं रखा गया था और ये बात हमने सरकार के साथ उठाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि इनके लिए जो कुछ करना है वो करिए ताकि इन लोगों को भी उसका लाभ मिल सके मतलब आप कंडक्टरों को आश्वस्त यहाँ पर कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल मैंने पहले भी बोला है उनको स्ट्राइक पे जाने से पहले भी बोला है लेकिन कुछ लोग जो केवल और केवल झंडा उठाने के विषय पर रहते हैं जो वो लोग हैं आम कंडक्टर आम व्यक्ति आम काम करने वाला एच हाँ में सुखद है खुश है लेकिन फिर भी जिन्होंने जो झंडा उठाया हुआ है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात टेबल पे बैठ के हो सकती है वो वहां पे गालियां निकाल के नारे लगा के नहीं हो सकती लेकिन मैं आपके ये ए, इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हम उनके प्रति गंभीर हैं उनकी समस्या के प्रति गंभीर है सर वो कह रहे हैं कि अगर बाईस या तेईस जुलाई तक वार्ता करने नहीं आए या कोई ए, सही डिसीजन नहीं लिया गया तो फिर आगे जो है वो आंदोलन किया जा सकता है इस तरह की चीज़ें रह सकती है तो क्या आपकी तरफ से उनसे मिलना होगा उनसे बातचीत की जाएगी कैसे क्या कुछ आगे करेगा हमारे दरवाजे खुले हैं मेरे पास वो एक बार भी नहीं आए हैं अपने इस विषय को लेके जब पूरी की पूरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने उनकी इस कैटेगरी के लिए काम करने के लिए विभाग को ऑलरेडी निर्देश दे दिए हैं लेकिन फिर भी जब वो चाहेंगे जब भी आए उनका वेलकम है और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा एच आर टी सी की बसें हमेशा से हम कह सकते हैं एक मखौल लोगों ने बना कर रख दिया है सोशल मीडिया पर जो है वो उनकी वीडियोस वायरल करते हैं कि एच आर टी सी की बस से पानी निकल रहा है एच आर टी सी की बसें खड़ी हुई है एच आर टी सी की बसों को धक्का देना पड़ रहा है हालांकि अभी सूबे में जो है वो सैकड़ों नई बसों को भी जो है वो एड ऑन किया गया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की वीडियोज़ वायरल सोशल मीडिया पर हो रही है और तरह तरह की उसको लेकर जो है र्यूमर्स कहें क्योंकि आधी चीज़ें र्यूमर रहते और आधी सच्चाई उसमें सड़क पे बस चल रही है तीन हजार बसों का बेड़ा है, कहीं कही है, 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 है प्राइवेट बस भी बंद होती है खड़ी होती है कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट किसी भी बस में हो सकता है एचआरटीसी लोगों की सेवा कर रही है लगातार ऐसे रूट्स हैं जिन रूट्स के ऊपर हमें घाटा होता है लेकिन केवल एक मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग इन सारे कामों में लगे हुए हैं हमने उस बेड़े में अभी नई बसें भी लेके आए हैं लेकिन व्यवस्था में आजकल ये हो गया है कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है उसको जो लगता है कोई बस पंचर हो गई है वो उसकी वीडियो भी डाले जा रहा है बस कहीं खराब हो गई है उसकी वीडियो भी डाले जा रहा है जो लेकिन वास्तविकता क्या है अभी आपने एक बात कही अभी हमने नई गाड़ियां लेके आए हैं उसमें व्यवस्था दी गई है कि आपकी आपका जो मोबाइल है उसको चार्ज किया जा सकता है तो अभी जहाँ पे चार्जर पॉइंट है उसको तोड़ दिया गया है किसी ने उसको वायरल किया है मेरे कंडक्टर ने लोगों से रिक्वेस्ट की है और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यह उनकी संपत्ति है ये उनके पैसे से आई बसेज हैं इसलिए इसको अपनी संपत्ति समझते हुए जिस प्रकार से आप अपनी गाड़ियों में रहते हैं बैठते हैं व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार आपका एच में होना चाहिए बाकी बहुत बड़ा बेड़ा है तीन हजार से ज्यादा बसेज हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है वो मैं मानता हूँ ठीक है मतलब यही शायद कारण हो सकता है जिसकी वजह से घाटे में चल रही क्योंकि कुछ ऐसे रूट्स पर बसेस चलाई जा रही है सर यहाँ पर प्राइवेट बस ऑपरेटर वाले भी जो है वो बीच में आ जाते हैं और उनका भी कहना है कि सरकार एच को तो दे देती है कि चलो सौ करोड़ दिया इतना कर दिया प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के बारे में नहीं सोचा जाता है इस बारे में आप क्या कहेंगे 160 करोड़ रुपए के कर माफ किए हैं एच के अलावा जो प्राइवेट बसेस की मैं बात कर रहा हूं जिस भी प्रकार के कोरोना काल का एक भी पैसा हमने उन लोगों से नहीं लिया है अब अगर आप न, इस नेचर के ही हैं कि हम आसान फरोश हैं तो मैं कह नहीं सकता लेकिन मुझे याद है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी की और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया माननीय मुख्यमंत्री जी को और मेरे को बुलाया उसमें और हमारा धन्यवाद किया इसलिए वो हमारे पार्ट एंड पार्सल है हमारा हमारा अंग है प्राइवेट बसेस के बिना भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है आम आदमी को जो है वो जो है उसको फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी इसलिए ऐसा नहीं है वो हमारा परिवार है हम उनका ध्यान रखते हैं और 160 करोड़ कम नहीं होता जिसमें हर प्रकार के टैक्स जो है वो उनके एग्जाम कर दिए गए ओके अब आपके विधानसभा क्षेत्र की ओर आते हैं क्योंकि इलेक्शंस की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज़ होने लगी है और सभी इसी होड़ में हैं कि भाई ना जाने किसको टिकट मिलेगी क्या कुछ रहेगा क्या पूरी चीज़ें रहेगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पर आ, मंत्री साहब से जानना कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो स्थितियाँ इस समय पर बन रही है एक नया नाम हम कह सकते हैं वहाँ पर उत्पन्न हुआ है संजय प्राशर जी और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है कि भाई उनकी कुछ हवा वहाँ पर बन रही है या हवा वहाँ पर बनाई जा रही है कितना डेंट एक मंत्री पर संजय प्राशे यहाँ पर डाल रहे हैं मेरा विधानसभा क्षेत्र से जसवां प्रागपुर है और पिछले 25 वर्षों से मैं वहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूँ पिछले साढ़े चार वर्षों में हमने जसवां प्रागपुर की तस्वीर को बदल दिया है हर प्रकार की डेवलपमेंट वहाँ हो रही है ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे किसी का अपना एक्शन भी नहीं था आईपीडब्ल्यू डी का एक्शन, आईपीएच का एक्शियन पॉलिटेक्निकल कॉलेज फार्मेसी कॉलेज कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग एचआरटीसी का डिपो तमाम ऐसी चीजें उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर है सड़कों और पुलों का नया जाल बिछा है लगभग मैं कह सकता हूं तीन सौ करोड़ से ज्यादा सड़कों और पुलों के ऊपर लगा है और ओवरऑल अगर आप काम देखेंगे तो 500 करोड़ से ज्यादा काम जो है वो वहां पे चल रहे हैं वैसे तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन आपने नाम लेके किसी के बारे में पूछा है आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति पिछले एक डेढ़ वर्ष से दो वर्ष से जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं और अगर मैं सही हूँ मुझे नहीं लगता कभी वो वोट करने भी यहाँ आए होंगे वो तो बाहर रहते थे और यहाँ पे समाज सेवा का, का काम करने के लिए आए थे हिडन एजेंडा राजनीति थी और मैं बड़े लंबे समय से बोल रहा हूँ कि उन्होंने चुनाव लड़ना है अच्छी बात है अच्छे काम कर रहे हैं मेरे को कोई उसकी तकलीफ नहीं है लेकिन वहां मुकाबले वाला विषय कोई नहीं है नहीं। जनता जनार्दन जा, जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या किया है जनता जना, ज, जनार्दन जानती है कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का क्या कंट्रीब्यूशन है उस विधानसभा क्षेत्र के लिए इसलिए वहां के लोग पार्टी के साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और इस प्रकार की परिस्थितियां पिछला इतिहास खोलेंगे तो कई बार आती हैं कई आए कई चले गए लेकिन लोग वहीं खड़े हैं और पार्टी के साथ चलते हैं तो ठाकुर साहब आप किसे कंपटीशन मानते हैं होता है ना कि भी विधानसभा क्षेत्र है और आप कांग्रेसी जो कैंडिडेट होगा उसे यहाँ पर कंपटीशन मानते हैं या आम आदमी पार्टी की अगर बात करें वो कह रहे हैं कि हम अड़सठ के अड़सठ विधानसभा क्षेत्रों में अपने जो है वो प्रतिद्वंदी उतारेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में दो पार्टियों का ही वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन्हीं में मुकाबला होता है और इन्हीं की सरकारें बनती हैं पर आज की तारीख में आप लोग देख रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं अपनी आंखों से देख रहे हैं और दीवार पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि अगली सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की बनेगी जहां तक आपकी बात कर रहे हैं आप पहाड़ का रास्ता कैसे चढ़ना है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है और आपका पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार का इमेज बन गया है वो भी आप जानते हैं तो यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होगा भारतीय जनता पार्टी आज सशक्त है कांग्रेस की हालत पूरे हिंदुस्तान में जैसी है वैसी हालत हिमाचल प्रदेश में है इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मुकेश अग्निहोत्री लगातार यहाँ पर बयानबाजी करते नजर आते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कि अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए उन्हें इस तरह का डिसऑर्डर है इस तरह की चीज़ें हैं साइकेट्रिस्ट की उन्हें ज़रूरत है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कि किस किस तरह से आप उनकी इस टिप्पणी को यहां पर आंकते हैं क्योंकि सीधा सीधा बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हर बार होता है अग्निहोत्री जी विपक्ष के नेता हैं हमारे मित्र हैं और लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं लेकिन जब से वो राजनीति के अंदर हैं क्या कभी आपने देखा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार के शब्द बोलते हैं जिस प्रकार की बीमारियों के बारे में बोलता थ, बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है उनको पहले अपना इलाज करवाना चाहिए चेक करवाना चाहिए कि जिन बातों को वो अपने मुख से बोल रहे हैं क्या वो खुद इन चीजों से ग्रसित तो नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हर कोई बात बोलते हैं ये केवल और केवल अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा इसका पीछे कारण क्या है कांग्रेस की दुर्गति उनकी भाषा के माध्यम से सामने नजर आती है कांग्रेस में उनको किस तरीके से हाशिए पे लाया जा रहा है ये हताशा उनके मुख मुख्य मुखिन से नजर आती है केवल और केवल हताश व्यक्ति की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं और उनके जो व्यवहार जो उनके बयान हैं वो सचमुच में बड़े ए, ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं लेकिन जिस प्रकार की हताशा पार्टी में जिस प्रकार से उनको धकेला जा रहा है उसके कारण से वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जी बात यहाँ पर चर्चाओं का विषय महिलाओं का जो किराया कम किया गया है वो भी यहाँ पर बड़ा है कि भाई एच आर घाटे में है बावजूद इसके महिलाओं को 50 परसेंट किराए में जो है वो छूट दी जा रही है और अब ऑनलाइन भी उसे यहाँ पर कर दिया गया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर आम आदमी पार्टी अपनी स्टेटमेंट दे रही है कि हमारा मॉडल कॉपी करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी इस पर जो है वो अपना यहाँ पर पक्ष दे रही है। आपके ध्यान में रहे कि एच केवल और केवल ऐसा पहला डिसीजन नहीं है एच आर टी सी बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए फ्री में लेके जाती है पुलिस कांस्टेबल्स को फ्री में लेके जाती है बाकी फोर्सेस के लोगों को फ्री में लेके जाती है पास बनाती है उनके बहुत से ऐसी कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज को एच आर टी सी में मुफ्त सेवा मिलती है जब कम पैसे के साथ वो जा सकते हैं जो पहला डिसीजन नहीं है लेकिन डिसीजन के पीछे फैसले के पीछे मूल भावना पार्टी की क्या है कि हम महिलाओं का मान सम्मान करते हैं और हमें यह लगता है कि एचआरटीसी का गाटा बढ़ता है तो बढ़ जाए लेकिन इनके लिए हम लोगों को इस प्रकार का काम करना चाहिए नारी को नमन कार्यक्रम अभी आपने देखा होगा सुना होगा ये इसी कार्यक्रम का हिस्सा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि 50 प्रतिशत किराया महिलाओं का कम होना चाहिए एक स्वागत योग्य जो कदम लिया गया है मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी इसका अप्रिशिएट करना चाहिए और आम लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया है जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुई है हम उनका मॉडल अडोप्ट करेंगे या उनको देखेंगे जो तो कभी हो ही नहीं सकता और उनके पास कोई ऐसा इतना अच्छा मॉडल है भी नहीं जिसको हम अडोप्ट करें जी आपने नारी सम्मान की यहाँ पर बात की पिछले कल ही बात करें तो एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह का रोडू में थे वो और उन्होंने कहा कि भाई भाजपा की कोई महिला नेत्री ठेकेदारों की गोदी में बैठी हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण है विक्रमादित्य जिस प्रकार के परिवार से संबंधित हैं उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी में समय समय के ऊपर बहुत से ऐसे नेतागण आए हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं ये केवल और केवल विक्रमादित्य का कसूर नहीं है ये वैचारिक डिफेक्ट है आइडियोलॉजिकल डिफेक्ट है वहां पर महिलाओं के साथ इसी प्रकार की बातें की जाती हैं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है तब महिलाओं की संख्या देखिए जब इनका कार्यक्रम होता है तब महिलाओं की संख्या देखें महिलाएं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित मानती हैं और विक्र, विक्रमादित्य है जी को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है बात यहां पर इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेकर भी कर लेते हैं क्योंकि अब जमाना धीरे धीरे बदल रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है हाइब्रिड गाड़ियां आ रही है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश कब तक जो है वो इस तरफ मूव करेगा किस तरह से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे समय में ये इलेक्ट्रिकल पॉलिसी आई है और आप ये देख रहे होंगे कि इसका व्यवहारिक जो पक्ष है उस तरफ भी हम बढ़े हैं हमने धर्मशाला और शिमला जो हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल बसीज ज़्यादा से ज़्यादा चलें हम उस और बढ़ रहे हैं हम जो चाहते हैं कि स्टेट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल बसेस का बढ़ना जरूरी है और अभी जितनी भी हम बसेस ले रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी उसमें इलेक्ट्रिकल बसेस भी आ रही हैं हाइब्रिड बसेस के बारे में आपने एक कंसेप्ट के विषय में बात कही है बड़ी जल्दी विभाग की मीटिंग बुलाऊंगा ताकि जिस प्रकार का पैटर्न हरियाणा में है उस प्रकार का पैटर्न हिमाचल में भी हो ताकि यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके जी जिस तरह से मंत्री साहब अगर बात करें ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और डेफिनेटली इसे कहना चाहेंगे जिस तरह से प्लग्स तोड़े गए हैं आप क्या यहां पर जो है वो संदेश प्रदेश की जनता को देना चाहें, चाहते हैं बींग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की संपत्ति को जो है वो इस तरह से नुकसान ना पहुंचाया जाए हम कोशिश कर रहे हैं कि एचआर टी में बैठने वाले व्यक्ति को सफर करते हुए आनंद आए अगर आप भी कभी आपको मौका मिले तो एचआर हाँ की जो नई बसेज आई हैं वो कितनी कंफर्टेबल हैं काइंडली आप उसमें जरूर एक बार सफर करें तो आपको पता लगेगा और उसके साथ साथ हमें लगता है छोटी छोटी सुविधाएं देनी चाहिए चार्जर का विषय आपने बोला है हमने वहां चार्जर लगाए हैं अब मुझे नहीं समझ आई कि वो चार्जर क्यों तोड़ दिए गए बीच में से मैं तो आम जनमानस से यही अपील करना चाहता हूं ये उनके धन से आई हुई बसेज हैं ये हिमाचल प्रदेश के जनता की प्रॉपर्टी है इसको हमें सुरक्षित रखना है इसको हमें संभाल के रखना है और इस प्रकार के जो शरारती तत्व हैं उनको समझाना है कि ऐसा करने से नुकसान होता है ऐसा करने से केवल और केवल एचआरटी को नुकसान नहीं हो रहा ये पूरे हिमाचल प्रदेश का नुकसान हो रहा है तो हमें इन बातों से बचना चाहिए मंत्री साहब एक दो प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर पूछना चाहेंगे कि अब एच में क्या नया आ रहा है क्योंकि कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें निकल करके आ रही है कि कुछ नई इन्वेंशन भी हो रही है एच में क्या नया देखने को प्रदेश की जनता को मिल सकता है एच को अगर आपने क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सारा मैं देखता हूं हमारी कोशिश यही है कि एच में सफ़र करने वाला सुखद महसूस करे एच में नौकरी करने वाला दुखी ना हो उसको हर प्रकार की चीज़ें मिले अभी नया पे कमीशन जो है वो हम लोग अपने घाटे में होने के बावजूद हम दे रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं जो पीछे लोगों का ओवर टाइम फंसे थे उसको हम दे रहे हैं हमारी ये कोशिश है कि एचआरटीसी के अंदर जिसका संबंध किसी भी तरीके से है चाहे वो यात्रा करने से या वो वहाँ पे काम करने के हम हमारी ये कोशिश है कि ये दोनों पक्ष जो हैं वो अच्छे रहने चाहिए सुखद रहने चाहिए उसके साथ साथ मैं मॉडर्नाइजेशन की भी बात कर रहा हूँ हम ये भी चाह रहे हैं कि आगे आगे जो हमारी जो बसीज़ आएँ वो मॉडर्न बसेज हों और जैसे अभी आपने इलेक्ट्रिकल बसेज के बारे में बोला है हाइब्रिड का आपने कंसेप्ट लिया है हम ये चाहते हैं जो सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश की, की आम ट्रांसपोर्टेशन में और एच में आनी चाहिए जी ये तो रही एच की बात अब आपके पास जो है उद्योग एवं श्रम भी है तो इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता क्या देखेगी कि क्या कुछ इसमें नया हो सकता है रोज़गार पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रीज़ पॉइंट ऑफ़ व्यू से और बहुत से खिताब भी मिले हैं यहाँ पर अगर हम उद्योग डिपार्टमेंट की बात करें विपक्ष का कहना है कि भाई ये तो ऐसी हवा हवाई वाला अवार्ड है क्या नया यहाँ पर देखने को मिल सकता है सबसे पहले तो आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ा काम अभी हुआ है कि ये जो कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के साथ उन्होंने बद्दी बरोटी वाला को मलाया है क्या फ़ायदा होगा उसका एक हज़ार करोड़ से ज़्यादा पैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलेगा और उसके साथ साथ बहुत से क्लस्टर और बहुत सी नई चीज़ें इंडस्ट्री में आई हैं उसका एक उदाहरण आपके पास अभी पिछले दिनों मेडिकल डिवाइसिस जो हैं वो वो यहाँ पर बनेंगे उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल बसेस की आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बसेस के पार्ट बनने के लिए भी जिला ऊना के अंदर हमने जमीन तलाशी है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं अभी बल्क बल्कडग पार्क पाइपलाइन में है आने वाले दिनों में लोग चाइना नहीं जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में आएंगे क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत बड़ा फार्मा हब है और जो इनको रॉ मटीरियल चाइना से लेना पड़ता है वो सारे का सारा रॉ मटीरियल यहां मिलने का और आप एक चीज और महसूस करते होंगे कि ये सारी की सारी चीजें हिमाचल प्रदेश के साथ की जो स्टेट्स हैं वहां जानी चाहिए लेकिन ये सारी चीजें हमारी तरफ आ रही हैं उसका कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है हम उसमें लोगों को आसानी से घर बैठे किस प्रकार से वो उद्योग लगा सकते हैं उसके साथ साथ एक बहुत ही विजनरी स्कीम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से आम जनमानस को आम नौजवान को किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ही वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है वो नौकरी लेने के लिए नहीं नौकरी देने के लिए ताकि वो यहाँ पर और लोगों को भी नौकरी दे और उसमें मुझे जो बताते हुए खुशी हो रही है हजारों बच्चे जो हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हुए जी और श्रम विभाग आपने बोला है आपके ध्यान में रहे कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों के लिए श्रम विभाग के माध्यम से बी के माध्यम से हमने उनको बहुत सी राहतें दी हैं और जो राहतें पहले थोड़े पैसे में मिलती थी अब उनके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है बच्चों की एजुकेशन के लिए बच्चों की शादी के लिए बीमार हो जाता है उसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो बी के माध्यम से मनरेगा के लोगों को मिल रहा है जी अच्छा सर आपकी भी काफ़ी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है कि आर के साथ रात को जा रहे हैं सड़कों पर और बसों को रोक के कुछ बसें जब्त कर ली गई थी उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो विदाउट कागज़ या इस तरह की एक्टिविटीज़ जब इलीगल काइंड ऑफ थिंग्स देखने को मिलती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मंत्री साहब खुद सड़कों पर उतर गए हाँ क्या टाइम मिल जाता है इतना ऐसा है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें लिखते हैं बहुत सी बातों के सुझाव देते हैं लोगों को लगता है कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इसको खुद भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अब लोग हमें मुझे बोलते हैं कि आप कभी जाके देखिए खुद बोल वो क्या स्थिति है उनकी तो हाँ आप ठीक बोल रहे हैं मेरे को दो तीन बार ये सारे काम करने पड़े हैं और मैं गया हूँ सड़क पे उतरा हूँ उसके कारण से काम करने वाले अधिकारी काम करने वाले लोग कर्मचारी वो भी बूस्ट होते हैं कि हमारा मंत्री जो है वो हमारे साथ देख रहा है इन सारी चीज़ों को और मैंने बड़ी चीज़ों को वहाँ पर सीखा भी है बड़ा कुछ बड़ी चीजों का पता भी चला है और कायदे कानूनों के उल्लंघन करने वालों को हमने सजा भी दी है हमने बसेज को जब्त भी किया है जो बसेज बिना कायदे कानून के सड़क के ऊपर चल रही हैं तो लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हमने ये उनको बताया भी है और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ये इस प्रकार से कभी कभी सबको करना चाहिए करना चाहिए बीच बीच में जिसे कहते हैं काइंड ऑफ डोज वो ज़रूरी होती है और वो सभी को एक्टिवेट रखती है चाहे वो आम आदमी की बात हो चाहे वो अधिकारियों की बात हो तो आज हमारे साथ यहाँ पर उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी मौजूद थे इनसे हमने बहुत सी बातें करनी चाहिए यहाँ पर और बहुत सी बातों का जवाब इन्होंने दिया जिसमें से कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसे भी विषय थे जो यहाँ पर नहीं मालूम थे उनको जानने के बारे में पता चला कि भाई आखिरकार क्या उसका एक्चुअल स्टेटस है मंत्री साहब आपने कीमती समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर टो नेपॉरिंग में हूँ मनोज ठाकुर और इस लाइव स्ट्रीम पर मेरा साथ दिया राजीव चौहान ने